Hello students, let's understand this question now. The figure shows the displacement of a particle going along x-axis as a function of time. The force acting on the particle is zero in which of the given region. Okay, we have been given a graph. Ye hame graph diya hua hai. Okay, and isme there are certain regions A, B, B, C, C, D and D जो कि हमारे ऑप्शंस भी हैं, इनमें से हमें बताता है बताना है कि इनमें से कौन से रीजन में जो है वो एक्सेलरेशन जीरो होगा. ओके, लेट्स फाइंड आउट. द थिंग्स वी हैव बीन गिवन, दिस इज अ एक्सटी ग्राफ. विच ग्राफ? एक्सटी ग्राफ. ओके, एंड टू सॉल्व दिस, टू फाइंड आउट इन विच ऑफ दीज ऑप्शंस the force will be zero, we just need to calculate, we just need to find where acceleration is zero. Acceleration कहाँ zero होगा अगर हमें ये हमें पता चल जाए, तो by the equation F is equals to ma, we'll say that force is also zero there. ठीक है, वहाँ पे force भी zero होगा. तो देखते हैं, अगर हम एक एक region की बात करें, firstly AB की बात करते हैं, तो AB is a straight line. XT graph में straight line जब होती है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है. या फिर आप देखें किसी भी ग्राफ में, या इस ग्राफ की बात करें, तो स्लोप विल बी इक्वल टू डीएक्स अपॉन डीटी एंड विच इज फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ दिस इज इक्वल टू वी. अगर ए बी का स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी जो है वो कॉन्स्टेंट है. वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब ये है कि देर विल बी नो चेंज इन वेलोसिटी एंड डीवी बाई डीटी इज इक्वल टू जीरो. और हम ये भी जानते हैं कि डीवी बाई डीटी जो होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर आता है. तो यहाँ हमारा प्रूव होता है कि एक्सेलरेशन जीरो. ठीक है, एक केस तो हमारे पास ये होता है. सेकंड बात करते हैं हम बीसी की. बीसी इज अ कर्व्ड लाइन. फॉर बीसी वी आर टॉकिंग नाउ. दिस वाज फॉर एबी. फॉर बीसी वी आर टॉकिंग नाउ. बीसी इज अ कर्व. सो डीएक्स बाई डीटी अगर हम निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, तो इसके अंदर ये जो वी आएगा हमारे पास, दिस वी विल नॉट बी कॉन्स्टेंट, विल नॉट बी अ constant, this will be a variable. So अगर हम dv by dt करेंगे तो हमारे पास जो acceleration आएगा वो zero के बराबर नहीं आएगा. So we can say जो force आएगा हमारे पास इस case में zero के बराबर नहीं होगा. ठीक है, अगर हम बात करें आगे cd की, तो cd again is a straight line. cd is a straight line. dx by dt जो हम निकालेंगे वो velocity होगी, वो constant आएगा. इट्स अ कॉन्स्टेंट बिकॉज द स्लोप इज कॉन्स्टेंट. स्ट्रेट लाइन की स्लोप कॉन्स्टेंट होती है. ठीक है, अगर हम इसको डी वी बाई डी टी करते हैं, विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन एंड इट्स इक्वल टू जीरो. सो वी कैन से फोर्स इज अगेन जीरो. ठीक है, एक लास्ट बचता है हमारे पास डीई. डीई में आप देख सकते हैं कि इट इज अ कर्व, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन. सो इसका जो स्लोप होगा वो कॉन्स्टेंट नहीं होगा. स्लोप इज नॉट कॉन्स्टेंट, स्लोप कीप्स ऑन चेंजिंग. आप देख सकते हैं स्लोप बार बार उसका चेंज हो रहा है, कॉन्स्टेंट नहीं है. सो वी कैन से डी वी बाई डी टी जो होगा, जो कि एक्सेलरेशन के बराबर होता है, वो जीरो नहीं होगा. यानी कि इस केस में फोर्स जो होगा वो जीरो नहीं होगा. ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शन मिले हैं हमें जिसके अंदर फोर्स हमारा जीरो है, दैट इज ए ए बी एंड नेक्स्ट इज सी विच इज सी डी. Okay, so force will be zero for straight lines in XT graph okay. और अगर हम हमारे options की बात करते हैं, तो in our question option A and C are correct. Okay, this was the solution for this question. Thank you.